नमस्कार दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आधार स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का एक डेली सेशन प्रारंभ किया गया है, जो रोज शाम 4 बजे अपलोड किया जाता है। दोस्तों, इस सेशन में हम लगभग 10 मिनट में 20 क्वेश्चन तैयार करते हैं जो राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है आगे की एग्जामों में भी पूछे जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के लिए मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन कोट लेके आया हूँ, वो इस प्रकार से है कि लोगों को अपने सपने न बताएं। आप लोगों ने क्या सपने बता रखे हैं वो लोगों को बताएं नहीं, उन्हें करके दिखाएं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में मेले। राजस्थान में जो मेले हैं इन पर भी कई बार एग्जाम में, लगभग सभी एग्जामों में मेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज का अपना सेशन मेलों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये जो आज क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 5-6 बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करने वाला जिला कौन सा है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये आरएएस से लेके पटवार तक की एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करने वाला जिला कौन सा है, तो वो नागौर है। नागौर में सबसे ज्यादा पशु मेले भरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वाधिक रंगीन मेला है, मतलब सर्वाधिक रंगीन मेला किस मेले को कहा जाता है, तो ये मेला है पुष्कर मेला। ठीक है दोस्तों, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। ठीक है, एक जानकारी तो ये हो गई। दूसरा, ये जो है ये मेरवाड़ा का या मेरवाड़ का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला है। इसे तीर्थों का मामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तीर्थों का मामा। आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि ये पुष्कर मेला जो है ये कब भरता है, तो ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भरता है। ठीक है, एकादशी से पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन होता है। अब दोस्तों, इसके बारे में एक और विशेष बात आप लोग ध्यान रखना कि इस ये मेला जो है वो गिर नस्ल से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, ठीक है, किसकी दृष्टि से? आय की दृष्टि से, मतलब किस मेले में सबसे ज्यादा आय होती है, वो है वीर तेजा जी का मेला। कहाँ भरता है? तो ये जो मेला है ये ध्यान रखना दोस्तों, पर्वतसर, कहाँ? पर्वतसर नागौर में भरता है। ठीक है, जगह का नाम ध्यान रखना। कब भरता है? तो ये श्रावण मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और भाद्रपद की अमावस्या तक ये चलता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला किसे माना जाता है? किसका? सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला किसे माना जाता है? तो ये है रामदेवरा मेला। ठीक है, रामदेवरा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये जैसलमेर की पोकरण तहसील में जगह है रामदेवरा। ठीक है, जगह का नाम भी क्या है? रामदेवरा है। कहाँ पर है? जैसलमेर की पोकरण तहसील। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। बच्चों, इस मेले का आयोजन जो होता है वो कब होता है? ये होता है भाद्रपद द्वितीया से लेकर एकादशी तक इसका आयोजन होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, ये भी ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इसका आयोजन होता है। इस मेले में 13 ताली नृत्य जो है वो आकर्षक का केंद्र होता है, आकर्षण का केंद्र होता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो एक कामर समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जैनियों का सबसे बड़ा मेला है, राजस्थान में जैनियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ये है महावीर जी का मेला। कहाँ भरता है ये? तो ये करौली में भरता है। यह भी आप लोग ध्यान रखना, कहाँ भरता है? करौली में इस मेले का आयोजन होता है। कब होता है? तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर वैशाख कृष्ण द्वितीया तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला है कौन सा है? ख्वाजा साहब का उर्स। क्या है ख्वाजा साहब का उर्स? कहाँ पर भरता है? तो ये अजमेर में है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। अच्छा, इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी कि ये कब भरता है, तो जो रजब माह होता है उसमें 1 से लेकर 6 तारीख तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? किनका? सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ये है साहबा मेला। कौन सा है दोस्तों? साहबा मेला। कहाँ पर भरता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, ये चूरू में भरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सीताबाड़ी का मेला लगता है, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है ये पूछा गया है। तो सीताबाड़ी का जो मेला है वो 12 में लगता है। 12 में कहाँ लगता है? तो 12 में जगह है केलवाड़ा। कौन सी जगह है? केलवाड़ा। ठीक है, केलवाड़ा में इस मेले का आयोजन होता है। ये जो मेला है वो ज्येष्ठ अमावस्या, ठीक है, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को भरता है। ठीक है, अमावस्या को ये मेला भरता है। ये जो मेला है वो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है। ये जो मेला है वो हाड़ोती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आयोजन नोहर में होता है। कहाँ होता है? नोहर। और नोहर कहाँ है? यह है हनुमानगढ़। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में है, ये आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, इसके बारे में और अतिरिक्त जानकारी दे दूं कि इस मेले का जो आयोजन है वो भाद्रपद माह में होता है और इस मेले का मुख्य आकर्षण हरियाणवी नस्ल, पशुओं की हरियाणवी नस्ल होती है। ये जो मेला है सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला है, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि गलियाकोट का उर्स कब लगता है? ध्यान रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ वो सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग चाहो तो इनकी PDF जो है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, या आप अगर लिखना चाहो, अपने नोट्स में लिखना चाहो तो आप लोग लिख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जरूर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे आगे भी। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है गलियाकोट का उर्स कब लगता है, तो गलियाकोट का उर्स मुहर्रम की 27 तारीख को लगता है। ठीक है, अच्छा, ये जो उर्स है ये फकरुद्दीन की, पीर फकरुद्दीन की स्मृति में होता है। कहाँ होता है? गलियाकोट जो है जगह वहां पर होता है। किस जिले में है? तो ये डूंगरपुर जिले में है, डूंगरपुर जिले में है, ये आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है श्री बलदेव पशु मेला, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है? मेड़ता सिटी में लगता है। मेड़ता सिटी कहाँ है? तो ये आप लोगों को पता है, कहाँ पर है? नागौर में है। ध्यान रखना बच्चों, मेड़ता सिटी नागौर में है, जहाँ पर श्री बलदेव पशु मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? तो ये चैत्र मास के सुदी पक्ष में किया जाता है, मतलब चैत्र मास के सुदी पक्ष के जो 15 दिन हैं उनमें इस मेले का आयोजन होता है। इस मेले का जो संबंध है वो किससे है? वो नागौरी नस्ल से है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है कि केला देवी के मेले को किस नाम से जाना जाता है? ये ध्यान रखना, बहुत कम लोगों को पता है जो केला देवी का मेला होता है वो किस नाम से जाना जाता है। उसे लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। किस मेले के नाम से जाना जाता है? लक्खी मेले के नाम से। और ये जो केला देवी का मेला है ये कहाँ भरता है? तो ये करौली में भरता है। ध्यान रखना, कहाँ पर? करौली में ये मेला भरता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि इस मेले का आयोजन कब होता है, तो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इसका आयोजन होता है। इस केला देवी के मंदिर में विशेष प्रकार के गीत गाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लागुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लागुरिया कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो ये आप लोगों को सबको पता है, बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। दोस्तों, ये जो बेणेश्वर मेला है वो सोम माही जाखम नदियों के संगम पर भरता है। ठीक है, कब भरता है? तो ये माघ पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? माघ
पूर्णिमा को, ये जानकारी आप लोग ध्यान रखना। इस मेले को एक नाम से और जाना जाता है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछ सकते हैं। इस मेले को बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बागड़ का पुष्कर भी इसी मेले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तारकीन का उर्स मेला कहाँ भरता है? ध्यान रखना, कौन सा? तारकीन का उर्स मेला कहाँ भरता है? तो ये मेला जो है वो नागौर में भरता है। अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि इस मेले का आयोजन संत हमीदुद्दीन नागौरी की स्मृति में है। ये मेला जो है वो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। ध्यान रखना, क्या है? दूसरा सबसे बड़ा उर्स, दूसरा सबसे बड़ा उर्स मेला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घोटिया अंबा मेला कहाँ लगता है? कौन सा? घोटिया अंबा मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों, घोटिया अंबा मेला कहाँ लगता है? ये बांसवाड़ा में लगता है। ठीक है, कब लगता है? तो ये चैत्र अमावस्या, ध्यान रखना, कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी दे दूं, इस मेले को भीलों का कुंभ भी कहते हैं। किन का? भीलों का कुंभ भी इसी मेले को कहा जाता है। ठीक है, भीलों का कुंभ इसी मेले को कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, ढिंगा गंवर बेतवार मेला कब और कहां भरता है? ठीक है, कौन सा? ढिंगा गंवर बेतवार मेला कब और कहां भरता है? तो ये बैसाख कृष्ण तृतीया को भरता है, और कहां भरता है? जोधपुर में इस मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय दशहरा मेला, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस जिले में इसका आयोजन होता है? तो इसका आयोजन जो होता है वो कोटा जिले में होता है। अगला क्वेश्चन है साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? ठीक है, भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है, वो कौन है? फताजी का मेला इस गांव में लगता है। अगला क्वेश्चन है कि तिलवाड़ा पशु मेला, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तिलवाड़ा पशु मेला किस जिले में लगता है? तो ये बाड़मेर जिले में लगता है। किसमें लगता है? बाड़मेर जिले में। ध्यान रखना बच्चों, इसी मेले को मल्लीनाथ पशु मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्लीनाथ पशु मेला। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बारे में मैं और जानकारी दे दूं कि इस मेले का जो आयोजन है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक होता है, और कहाँ पर होता है? तो ये लूणी नदी के तट पर होता है। लूणी नदी के तट पर इस मेले का आयोजन होता है। एक बात और ध्यान रखना कि इस मेले में थार पारकर व कांकरेज नस्लों की बिक्री होती है। किसकी नस्लें हैं ये? तो ये गाय की नस्लें हैं। किसकी है? गाय की नस्लें। कौन सी? थार पारकर और कांकरेज, इन नस्लों की बिक्री होती है। दोस्तों, ये जो मेला है वो देसी महीनों के हिसाब से आने वाला सबसे पहला मेला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये आप लोगों को सबको पता है कि मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। किस समय होता है, किस मास में होता है? तो ये माघ माह में होता है। ध्यान रखना, कब होता है? माघ माह में इसका आयोजन होता है। तो दोस्तों, ये आज के अपने 20 क्वेश्चन हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से पढ़ना। तो दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। हम आगे कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन लेके आए हैं वो भी आप लोग सजेस्ट करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।